नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं अमजद और मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जी, ये भी सादा जुगाड़ है। ये भी आप देख रहे हैं, ये सादा जुगाड़ है, इन्होंने ये बनाया है। इसको क्या बोलते हैं? चैन पुली। इसको आप चैन पुली बोलते हैं। 1000 फुट से लेके 1500 फुट तक आप मोटर निकाल सकते हैं इससे। 1000 फुट से लेके 1500 फुट तक की मोटर निकाल सकते हैं। तो ये ब्रेक है इसमें, ये वाला। अच्छा, तो आप देख रहे हैं इसमें ये ब्रेक है। जैसे ही आप इसको चलाएंगे, छोड़ दिया तो ये ब्रेक लग जाएगा। ये काफी अच्छा है। इसमें रस्सा लगा देते हैं। इसमें रस्सा लगा देते, ऊपर पुली है, ऊपर पुली है, बेरिंग है, उसमें डबल बेरिंग है, उसमें डबल बेरिंग है ऊपर। तो लोड नहीं जाता है, कम लोड आता है, लोड नहीं जाता है। ये लॉक इनके, ये लॉक है। तो आप देख रहे हैं ये लॉक है, जैसे आप चलाओगे ये लॉक लग जाएगा। ये दोनों साइड लॉक है, ऐसे चलाओगे तो उतारो आराम से, चलिए आप। ये साइड उतारिए आप। ये देखो, ये ब्रेक है, ये ब्रेक है। आराम आराम जाएगी मोटर, आराम आराम से जाएगी। ये ब्रेक है, आराम आराम से, ये नहीं कि एकदम चली जाएगी, एकदम चली जाएगी। तो ये आराम आराम से जाएगी मोटर, और ये 1500 फुट तक नीचे तक आराम से इसको पसार सकते हैं मोटर को। और इनके पास में काफी सारी मशीनें हैं, इन्होंने बना के तैयार कर रखी हैं। आप देख रहे हैं काफी सारी मशीनें हैं। अच्छा, इसमें साइज भी होता है क्या, छोटा बड़ा या ऐसा कुछ होता है? एक ही साइज होता है? साइज तो जैसे बनवाते ना, ग्राहक बढ़ा देते। अच्छा अच्छा, छोटा बड़ा साइज जैसा ग्राहक होता है, बनवाना चाहता है वैसे बना देते हैं। साइज बेचते हैं अमूमन, यही साइज होता है। और क्या क्या बनाते हैं सर आप? और ये देखिए आप, ये कपास मशीन है। कौन सी है कपास मशीन? बीटी, बीटी मशीन बोलते हैं इसको, बीटी कपास तुराई। ये आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये बीटी मशीन बोलते हैं इसको, कपास, इसको बोलते हैं कपास उराई मशीन। हाँ जी, ये कपास उराई मशीन है। इसमें ये बीज डालते हैं। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बीज डालते हैं, और इसमें ये टॉपलिंग लगाई जाती है। हाँ, और इसमें ये आप देख रहे हैं ये नीचे, इसमें ये नीचे दोनों साइड में, दोनों साइड को ये खाद की है, ये बीज की है। ये बीज की है और ये खाद की है। हैं सर, ये खाद है, ये पीछे बीज है, पीछे बीज है। तो ये सारी यही मशीनें हैं। हाँ, एक साइज है, एक साइज है। तो काफी अच्छी है ये तो मशीनें इनकी। किसान भाई अगर लेना चाहे तो क्या रेट रखी है इनकी? 30,000 है। 30,000 रुपए। क्या क्या उराई कर सकते हैं और इससे, या फिर आप वही कर सकते हैं केवल? ये वही, ये तो कपास की है, कपास ही, कपास की उराई कर सकते हैं। और ये साहब हाथ, कपास के अंदर हाथ और बुराई। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इसके, ये जो कपास और बुराई, गुड़ाई करेगी ये, मतलब इसमें खाद डाल देंगे। अच्छा, इसमें खाद डाल देंगे। हाँ, इसमें खाद डालेंगे और ये गुड़ाई भी करेगी। गुड़ाई करेगी, ये देखो बड़ी बड़ी टांगे हैं। तो ये गुड़ाई और खाद दोनों एक साथ करती है मशीन। तो ये भी काफी अच्छी मशीन है। ये कितने की है सर? ये करीब साहब 25 से लेकर 27,000 तक है। 25 से लेकर 27,000 तक है। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये जो मशीनें हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी, और 25 से लेके और 27,000 के बीच में ये मशीन आपको मिलेगी, जो कि गुड़ाई भी करती है और खाद का काम भी करती है, खाद भी डालती है। और काफ़ी उम्दा क्वालिटी की इनके पास में ये मशीनें मिलती हैं। और ये भी वही चीज है, ये खाली इस टंकी हट जाती है, ये खाली गुड़ाई गुड़ाई करती है, गुड़ाई गुड़ाई करती है, टंकी हट जाती है, गुड़ाई गुड़ाई करती है। और वो वाली मशीन भी वही है। अच्छा, आप तो हैरो भी बनाते हैं? हाँ जी, हैरो भी है। तो ये कितने के हैं हैरो? ये सब लिफ्ट वाले हैरो हैं ये। अच्छा, लिफ्ट वाले हैरो, उठ जाते हैं। हाँ, उठ जाते हैं। तो ये लिफ्ट वाले हैरो कितने हैरो होते हैं इसके अंदर? 14 आगे पीछे। हाँ जी, 14 तवे हैं, 8 बैरिंग है। तो 14 तवे और 8 बैरिंग का मिलता है ये। और तो भी 12,000 की सब्सिडी है, इसमें भी 12,000 की सब्सिडी है। कितने का ये तवा? ये 30,000 का, 30,000 का पड़ेगा ये तवा। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, उराई मशीन, उराई मशीन बोलते हैं जी। ये अपन गेहूं, चना, सरसों, जो कुछ भी अपन बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, खाद सरसों तो इसमें डालते हैं। तो इसमें ये क्या ब्लेड है, क्या है ये? पत्ती है, अपन बीज डालते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि खाद में अलग पत्ती लगाई जाती है, सरसों में अलग है, गेहूं में अलग है, गेहूं में अलग लगाई जाती है। अच्छा अच्छा, तो ये अलग अलग पत्ती लगती है, तो इसको उराई मशीन बोलते हैं। अच्छा, ये किस लिए लगाए जाते हैं इसमें?
पीछे लगाते हैं ये नहीं, साफ सफाई के लिए, सफाई। अच्छा, गुड्डी सफाई करेगी। तो ये अपने को जैसे किसान भाई लेना चाहता है तो कितने की मिल जाती है ये? ये जी लगा लो आप 24,000 की मान चलो आप। 24,000 इसमें सब्सिडी हो रही है? सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी वो तो गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है किसान भाई को? ग्राम सेवक से मिलना पड़ता है। ग्राम सेवक से मिलना पड़ता है। हम तो कोटेशन देते हैं, पक्का बिल देते हैं। पक्का बिल देते हैं, कोटेशन देते हैं। तो ग्राम सेवक से मिलके, और इसमें सब्सिडी कितने की मिलती है? किसान खाते में आ जाती है। किसान खाते में आ जाती है। कितने तक की मिलती है? 10,000 की। तो इसमें आपको सब्सिडी भी मिल जाती है किसान भाइयों, 10,000 रुपए की। आपके अपने ग्राम सेवक से बात करनी पड़ेगी। तो ये आप कितने की बता रहे थे, रेट क्या बता रहे थे? 24,000 रुपए में ये आपको मिलेगा। हैवी चद्दर है, और ये आप देख रहे हैं डबल चक्के में है। ये काफी हैवी है और काफी अच्छी है। जो इनकी क्वालिटी मिलती है वो भी हैवी है। कूड़ा नहीं रहता खेतों का। इससे तो गुड्डी खराब ना हुए, गुड्डी खराब नहीं होती। होती तो गुड्डी भी खराब होती, गुड्डी भी खराब, कूड़ा भी रहता। अच्छा अच्छा, तो इससे गुड्डी खराब नहीं होती। गुड्डी खराब नहीं होती। तो ये जैसे आप देख रहे किसान भाइयों, ये आगे की तरफ लगाया हुआ है, इससे क्या गुड्डी खराब नहीं होती। अगर ये पीछे की ये क्या ऑटोमेटिक है, अपने आप उठ जाती है। आप देख रहे हैं इस तरीके से ये अपने आप उठ जाती है। तो इसमें क्या गुड्डी खराब नहीं होती। ये आगे की साइड लगाया हुआ है। अमूमन क्या होता है कि पीछे की साइड को लगाते हैं जिससे गुड्डी खराब होती है। तो इसमें गुड्डी खराब होने का चांस ही नहीं है। तो ये आपको 24,000 रुपए में मिलता है। और वहाँ पे भी ये तवे ही बनाते हैं वो सब, वो अलग महंगे तवे हैं वो। अच्छा, वो महंगे तवे हैं जो हैं पहिए वाले। तो आप देख रहे किसान भाइयों, ये पहिए वाले तवे हैं, और ये काफी महंगे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसकी कीमत 48,000 से 50,000 तक की। इसकी कीमत है 48,000 से 50,000 रुपए के बीच में इसकी कीमत है। डबल खेंच में है ये, आप देख रहे हैं। और ये डबल खेंच है इसकी, यहाँ पटली में ये हुक में लगेगा और ये पटली में लगेगा। तो ये डबल खेंच में है और काफी अच्छा है। कितने इसमें भी कितने तवे? 14 ही है इसमें भी। तो बड़ा बनवाना चाहे बड़ा बनवा दे, बड़ा भी बना देंगे। छोटा बनवा छोटा बड़ा दे, छोटा भी बना देंगे। छोटा ट्रैक्टर आ रहा है ना, छोटा जी उसके बना रहे हम। अच्छा, छोटा मिनी ट्रैक्टर जो आ रहा है, उसकी मशीन भी है, टापा भी है जी, और मांझा भी है, कल्टी भी है, कल्टी भी है, लेकिन बिकी हुई है वो जी। जी ऑर्डर बनाते हैं ऑर्डर जी। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये जो इतनी सारी ये जो मशीनें हैं सब इनके पास में मिलती हैं, ये बनाते हैं, और काफ़ी अच्छी उम्दा क्वालिटी की इनके पास में मशीन मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।